इसके पहले के वीडियो में हमने पोरीफेरा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सिलेंटेटा के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स के जो करेक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइलम सिलेंटेटा की। और यहाँ पर हम पहले इसका नाम लिख दें, ये फाइलम सिलेंटेटा जो है ये ग्रीक वर्ड से जो बना है उसका नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं सील एंड एंटरान। मीन्स दिस फाइलम सिलेंटेटा इज मेड बाय टू ग्रीक वर्ड सील एंड एंटरान। सील मीन्स हालो एंड एंटरान मीन्स गट। सील मीन्स हालो एंड एंटरान मीन्स गट। कहने का मतलब ऐसे एनिमल्स में एक हालो गट पाया जाता है और इस हालोगट को नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है सिलेंट्रान कैविटी। सिलेंट्रान और सिलेंट्रान कैविटी पाई जाती है, मीन्स हालोगट पाए जाने के कारण से इसका नाम रखा गया सिलेंटेटा। आगे चलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है जिसको नाइडेरिया कहते हैं, CNIDARIA नाइडेरिया। ये इस फाइलम का दूसरा नाम है और ये भी ग्रीक वर्ड से बना है जिसको नाइडी कहते हैं। नाइडी मीन्स नीटिल और स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल। कहने का मतलब ऐसे इस ग्रुप में रखे गए एनिमल्स में स्टिंगिंग सेल उपस्थित होते हैं जो डंक मारने का काम करते हैं और शत्रुओं से सेल्फ डिफेंस के लिए कारगर होते हैं, अर्थात सेल्फ डिफेंस करने का काम करते हैं। तो ये दोनों ही स्पेसिफिसिटी, एक तो हालोगट का पाया जाना और दूसरा स्टिंगिंग सेल का पाया जाना, इस सिलेंटेटा फाइलम में रखे गए एनिमल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसको आप जानते रहेंगे, उसके बारे में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक एनिमल को लेकर के उसके बारे में स्टडी करते हैं और फिर इसके कमेंट की तरफ चलेंगे। यहाँ पर एक हम सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हाइड्रा का और आप देख लीजिए, एक मान लेते हैं ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा, एक हाइड्रा की संरचना है और इसमें ये इसके आर्म्स हैं जिसको टेंटिकल के नाम से जानते हैं, टेंटिकल। और यहाँ पर इन टेंटिकल्स में स्पेसिफिक सेल्स पाए जाते हैं, वो स्पेसिफिक सेल जिनको स्टिंगिंग सेल कहते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। यहाँ पर इनका नाम स्टिंगिंग सेल है, स्टिंगिंग सेल। और आप देख रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ एक फूला हुआ भाग उपस्थित है, यहाँ पर इसको हम हाइपोस्टोम के नाम से जानते हैं, हाइपोस्टोम। दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, ए सोलन पार्ट ऑफ एंटीरियर एंड। एंड इसके बाद यहाँ पर बीच में अगर हम देखें तो एक ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये इसका आउटर लेयर है जिसको स्किन कह सकते हैं और बीच में एक कैविटी आप देख रहे हैं, इसी कैविटी को हम सिलेंट्रान के नाम से जानेंगे, CoeLENTERON सिलेंट्रान कैविटी। इस तरह से आपने इसके स्ट्रक्चर को तो देख ही लिया है, साथ ही साथ आप ये भी जानते रहिए ये एनिमल जो है वो एक्वेटिक मीडियम में पाया जाता है। और इसके करेक्टर्स की तरफ अब चलते हैं, थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको हमने दे दिया। ये आप जानते हैं कि इसका फिगर है हाइड्रा का है। और अब इसके कमेंट्स की तरफ चलते हैं, सबसे पहले इसका पहला कमेंट तो यही होगा कि दे आर एक्वेटिक एनिमल, लेकिन एक्वेटिक एनिमल में ये मोस्टली जो होते हैं मैराइन होते हैं, इसके अंतर्गत रखे गए एनिमल्स जो होते हैं वो अधिकतर मैराइन वाटर में रहते हैं, तो उसको भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे कैरेक्टर्स। इसका देखते हैं, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है
दे आर aquatic, aquatic animals, aquatic, यहाँ पर उस चीज़ को भी लिख देते हैं मैराइन वाला, मोस्टली मैराइन एनिमल्स, दे आर aquatic, मोस्टली मैराइन एनिमल्स। उसके बाद आगे देखते हैं इसके दूसरे कमेंट्स पर चलते हैं। यहाँ पर आपको स्टिंगिंग सेल के बारे में पहले ही बता दिया गया है, तो उसके कमेंट्स को भी लिख लेते हैं। स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। और इसका तीसरा कमेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके पहले जब अमीबा पढ़ा रहे थे, प्रोटोजोआ का एनिमल बता रहे थे, तो उसमें कहे थे कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद जैसे ही पोरीफेरा के बारे में मैंने बताया, पोरीफेरा के बारे में जब आपने पढ़ा तो उसमें बताया गया कि सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सिलेंटेटा में अगर देखें तो फिर से एवोल्यूशन होगा। वहाँ पर तो सेल्स ही पाए जाते थे, टिशू का फॉर्मेशन नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पर टिशू का फॉर्मेशन होने लगेगा, इसका मतलब एवोल्यूशन हुआ है और लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी के एनिमल्स का आप देखिए डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है इस फाइलम में रखे गए एनिमल्स का। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या हो सकता है। द सोलेंट पार्ट, सबसे ऊपर की तरफ मैंने आपको कहा था ना, जो इसका मुख होता है वो फूला हुआ होता है, और फूले हुए भाग को मैंने हाइपोस्टोम लिखा था, उसी हाइपोस्टोम के बारे में यहाँ पर लिखना है। द सोलेंट पार्ट प्रेजेंट एंटीरियर एंड इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। और हाइपोस्टोम को यहाँ पर इसका मुख कह सकते हैं। अब अगर मुख की बात आ गई या हाइपोस्टोम की बात आ गई, कॉमनली इसको माउथ कह सकते हैं। अगर माउथ की बात आ गई तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टेंटिकल्स माउथ के चारों तरफ उसको उस निकले हुए थे और चारों तरफ से घेरे रखे थे। तो यहाँ पर यह भी कमेंट बन सकता है कि टेंटिकल्स आर प्रेजेंट टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। टेंटिकल्स जो होते हैं वो माउथ के चारों तरफ में उपस्थित होते हैं, अर्थात माउथ को चारों तरफ से घेरे रखते हैं। इसके आगे थोड़ा सा इसको मिटा दें, उसके बाद फिर इसके आगे का कमेंट लिखेंगे। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे, जब भी मांगा जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। पाँच पॉइंट हो चुके थे। यहाँ पर देखते हैं बॉडी कैसी होती है इसकी। तो बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक, बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या, इसके त्वचा में दो स्तर उपस्थित होते हैं। दो स्तर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर डैश दे करके हम लिख दे रहे हैं। जो बाहर की तरफ होगा, आउटर साइड में होगा, उसको हम कहेंगे एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस, एंड जो अंदर की तरफ होगा उसको कहेंगे इनर गैस्ट्रोडर्मिस।
आउटर इपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहेंगे, दो लेयर तो पाए जाते हैं इसके स्किन में, लेकिन बीच में एक लेयर और भी होता है, वो सेल से नहीं बना होता। मीन्स ए थर्ड लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर लेयर, बट दैट इज नॉट मेड बाई सेल्स, दैट इज मेड बाई जिलेटिन सब्सटेंस। इसका मतलब यहाँ पर हम तीसरे लेयर के बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं कहा जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक ही कहा जाएगा, भले इसमें तीन लेयर पाए जा रहे हैं। मीन्स ए जिलेटिनस लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर, दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया। इसके बारे में हो गया, आगे चलते हैं, अगला कैरेक्टर देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या हो सकता है। देशो डाइमॉर्फिज्म, जैसे हम लोगों को जीवन में लाइफ में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं, वैसे ही इसमें भी दो अवस्थाएं आती हैं, और जो दो अवस्थाएं हैं उसमें से एक अवस्था को हम कहेंगे पॉलिप। जब पॉलिप अवस्था में, पॉलिप स्टेज में रहता है, तो इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, और जो दूसरी अवस्था है, जो दूसरा स्टेज है, उसको मेडुसा कहेंगे। मेडुसा स्टेज में ये अम्ब्रेला शेप का हो जाता है, ये अम्ब्रेला शेप का हो जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट पर ध्यान देते हैं, अगला चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पर है, इसकी सिमेट्री के बारे में नहीं बताए हैं, तो इसकी सिमेट्री को भी यहाँ पर देख लेते हैं। बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, इसका मतलब जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल होती है। रेडियल मींस किसी भी प्लेन से अगर इसको हम काटेंगे रेडियस से होकर के, तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी, इसी को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नीचे की तरफ तो दिख ही रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इसका यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, एक चीज़ छूट रहा है उसको भी देख लेते हैं। लोअर ग्रेड का इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, कहने का मतलब अभी तक जितने भी फाइलम आपने पढ़ा, दो फाइलम पढ़ा है, पोरिफेरा का और प्रोटोजोआ का, उसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, भले ही लोअर ग्रेड का है तो क्या, लेकिन यहाँ पर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो इवोल्यूशन में यहाँ पर देखिए नर्वस सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो गया है। नेक्स्ट कमेंट ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर लिखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पर दोनों होगा, तो रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यहाँ पर दोनों रिप्रोडक्शन होगा। एक चीज़ और है, इसके जीवन में दो स्टेजेज आते हैं, दो अवस्थाएं आती हैं, पॉलिप और मेडुसा।
दो अवस्थाओं के आने से एक बार इसके जीवन में पॉलिप आएगा, मेडुसा आएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी पॉलिप आएगा और मेडुसा आएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी पॉलिप और मेडुसा आएगा। इस तरह से पॉलिप और मेडुसा जो है ये इसके जीवन में अवस्थाएँ आती रहेंगी। ये अवस्थाएँ आने के कारण से हम कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कहने का मतलब बार बार लाइफ साइकिल में एक बार पॉलिप और एक बार मेडुसा, ये इनका एकांतर क्रम में आना, यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कमेंट्स हो गए हैं, इसको आप जानते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर इसके कुछ एग्जांपल भी देना हुआ तो आप एग्जांपल में यहाँ पर हाइड्रा और प्लेनेरिया को लिख लीजिए। हाइड्रा और प्लेनेरिया ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। इस वीडियो में आपको फाइलम सीलेंटेटा के बारे में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट फाइलम को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना आप पढ़ लीजिए और इसको नोट बना करके रख लीजिएगा, आवश्यकता पड़ने पर आपसे मांगा जाएगा।